कीमती लम्हे। आज का हमारा सवाल है कि अगर किसी के घर पे मौत हो जाए किसी की, तो उस इंसान को क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए, यानी मैयत के मसाइल। आइए हम जानते हैं शेख मोहतरम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वबिही नस्ताईन, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल अमीन व अला आलिही व सहबी अजमाइन व बाद। देखिए, मौत एक अटल हकीकत है। मौत से पहले कहा गया लकिनू मौता को, मौत से पहले इंसान को तलकिन करना चाहिए कलिमे शहादत की। और जब मौत वाक़ हो जाती है तो घर का माहौल बदल जाता है। मौत से पहले घर का माहौल अलग रहता है और मौत के बाद घर का माहौल बदल जाता है। तो इसमें कुछ अचानक कुछ ऐसे लोग एक्टिव हो जाते हैं जो इससे पहले एक्टिव नहीं थे, या उसको मैयत से उनकी कोई रिश्तेदारी थी या कोई खराबत थी, तो वो उतनी खुलकर नहीं आती है जितनी वफात के बाद आती है, और ये समझते हैं कि यही उसके ज़्यादा हमदर्द हैं। कुछ चीज़ें खुराफात की होती हैं और कुछ चीज़ें मोहब्बत में हो जाती हैं उस तरीके से। नंबर एक, वफात के बाद हदीस के अंदर ये आया है कि अगर किसी की वफात के वक्त आंखें खुली हुई हैं तो आंखें बंद कर दीजिए, और हाथ पैर अगर मुड़े हुए हैं तो उसको सीधा कर दीजिए और उसको सीधा सुला दीजिए। एक बिदअत ये है, एक ज़ईफ़ हदीस या मौदू हदीस ज़िक्र करके कहते हैं कि मैयत के कद पैर क़िबले की तरफ कर दिया जाए और क़िबले की तरफ पैर करके उसको सुलाया जाए। ये गलत है, ऐसी कोई रिवायत नहीं है, और ना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज़्दे मुबारक को, जज़्दे खाकी को इस तरह रखा गया है, ऐसा नहीं है। जैसे नॉर्मल घरों के अंदर उठता बैठता है या सोने के पलंगों के जो जाविये होते हैं जिस तरीके से उसको रखा जाता है, उसको वैसे ही रखा जाए। उसका कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है कि जनाजे को इस तरीके से रखा जाए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि आप चेहरा सीधा रखने के बजाय क़िबला रुख कर सकते हैं, कब्र के अंदर तो ये है, लेकिन अगर कोई इस तरीके से रख कर कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक ये है कि जनाजे के पहला मरहला ये है कि जनाजे के वो जो कपड़े हैं वो उसको बदल दिए जाए। उसकी वजह ये है कि रूह कब्ज़ होते वक्त इंसान बड़ी तकलीफ़ में होता है, तकलीफ़ें अलग अलग किस्म की होती हैं, तो उसमें नजासत खारिज होने का इम्कान रहता है। तो सबसे पहले उन कपड़ों की सफाई कर दें, कपड़े चेंज कर दें, और इसमें ये ख्याल रखें कि मरने के बाद इंसान के आदा को गैर ज़रूरी हरकत ना दिया जाए, इतनी ज़्यादा कि उसकी वजह से उसको तकलीफ़ होती है कि ये कैसा भी मर गया हो तो उसको हाथ पैर जैसे चाहे मोड़ दें, जैसे चाहे करें। नहीं, अगर सहूलत हो आसानी से बटन खोल के निकाल सकते हैं निकालें, नहीं कर सकते हैं तो उसको आप कैंची से काट कर उस कपड़े को निकाल दें और उसकी साफ सुथरे चादर में उसको लपेट दें, ये ज़्यादा मुनासिब है। तीसरी बात, औरतें का अगर जनाजा हो तो उसको पर्दे का लिहाज रखा जाए, उसको खुलेआम ना रखा जाए, और ख़वातीन ही उसकी निगरानी करें, ख़वातीन ही उनकी वो सारी जिम्मेदारी निभाएं। चौथी बात, जिस कमरे में जनाजे को रखा जाता है वहाँ शोर शगब ना हो, वहाँ रोना धोना चीख पुकार वैसे भी ममनू है इस्लाम के अंदर, नौहा खानी या किसी किस्म की आवाज़ नहीं है। अगर गम के लिहाज से आंसू आते हैं या कोई सिसकी निकलती है तो अलग मसला है, लेकिन उसका एक माहौल बनाना किसी करीबी रिश्तेदार को देखकर एकदम जज्बात आए और फिर उसके बाद चीख कर याद करें, और ख़ास तौर पर मैयत की कुछ बातें याद कर कर कि उसका जिक्र कर करके रोना, ये गलत है, इस्लाम में जायज़ नहीं है, ख़ास तौर पर हीन हयात उस वक्त जबकि मैयत वहाँ पर मौजूद हो। और सबसे अहम बात यह है कि तदफीन में जल्दी करनी चाहिए, तदफीन में जल्दी करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके उसकी तदफीन का एहतमाम किया जाए, ज़मीन मुनासिब जगह पर देखी जाए। अगर पहले से किसी जगह ज़मीन के अंदर कोई कब्र है उसके अंदर भी आप दफन कर सकते हैं, अगर उसके अंदर के कुछ आज़ा हड्डियाँ वगैरह निकले तो उसको आप साइड में रखकर उसी कब्र में उसको दफन कर सकते हैं। कफन का पैसा अगर मैयत के हिस्से हो तो बेहतर है, या मैयत के जो वारिसीन हैं उनके पैसे से उसको लिया जाए, चंदे से या किसी गैर के पैसे से उसको ना लिया जाए, तो मैयत पर यह भी एक एहसान होगा। नमाज जनाजा पढ़ाने से पहले इस बात की वजाहत कर ली जाए कि मरने वाला मकरूज़ था या नहीं था, अगर था और उस जिनसे कर्ज लिया है वहाँ पर मौजूद है तो उनसे ये कहलवाए कि इनके वारिसीन इसके ज़िम्मेदार हैं, उसको ख़त्म करें। और जनाजा ले जाते वक्त किसी किस्म की कोई तस्बीह कोई दुआ साबित नहीं है, इस लिहाज से इस तरीके का कोई भी अमल ना करें, यह बिदअत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को जरूर डोनेट करें।